हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज गिवन है फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स के लिए। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? तो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सरफेस एरिया के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर मास के। इसके बच्चों मॉलिकुलर मास के। एंड सीधा सीधा इसका मतलब है कि अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। तो जितनी ज्यादा हमारी ब्रांचिंग होगा उतनी ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और जितनी कम ब्रांचिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखो तो CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मॉलिकुलर मास क्या कर रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। एंड सरफेस एरिया भी अगर आप देखोगे तो सरफेस एरिया इस तरीके से लेते हैं भाई ड्रॉ कर करके, ठीक है ना? तो सरफेस एरिया अगर आप देखोगे तो ये हुआ इस तरीके से। तो सरफेस एरिया भी हमारा क्या करता है? इंक्रीज करता जा रहा है इस तरीके से। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? हमारा ये वाला जो ऑर्डर दे रखा है बिल्कुल इंक्रीज करेगा। तो ए आपका बिल्कुल सही है बच्चों। इसके बाद अगर हम देखें बी को, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डेंसिटी की बात हो रही है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चों? तो डेंसिटी बराबर होता है भाई मास बाई वॉल्यूम। तो क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। और मास में भी किस पे डिपेंड करता है? ये हेलोजन एटम के मास पे डिपेंड करती है डेंसिटी हाइयर होगी या लोअर होगी। तो जितना ज्यादा हेलोजन एटम का मास होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? डेंसिटी होगी। अब यहाँ पे क्या है? CH3CH2Br, CH3CH2CH2Cl एंड CH3CH2I। तो यहाँ पे आयोडीन लग रहा है तो बच्चों इसकी जो डेंसिटी होगी हाईएस्ट होनी चाहिए थी, बट लोएस्ट दे रखी। तो ये आपका ऑर्डर क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब बॉइलिंग पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या है? CH3CH2Br, यहाँ पे क्या है? CH3CHBrBr, यहाँ पे क्या है? CH3CBrBrBr। ये चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? मॉलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मॉलिकुलर मास क्या होगा? जितने ज्यादा हेलोजन एटम्स बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या होगा बच्चों? मॉलिकुलर मास उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा इसी ऑर्डर में। तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो ए सी ई ए सी अभी तक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके पास डेंसिटी है बच्चों। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो CH3CH2, यहाँ पे बी आर लग रहा है, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे ओनली बी आर लग रहा है, और यहाँ पे ब्रोमीन एंड क्लोरीन लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें तो ये हमारे पास बी आर दोनों सेम हो गए। बट अगर आप देखो तो आयोडीन है यहाँ पे एंड यहाँ पे क्लोरीन है। तो आयोडीन का जो मास होगा बच्चों क्या होता है? हाई होता है। तो इसकी वजह से उसकी डेंसिटी हाईएस्ट होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए थी? हाईएस्ट। बट यहाँ पे क्या दे रखे? लोएस्ट दे रखे। तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया, है ना बच्चों? क्या हो जाएगा? गलत हो गया। तो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बच्चों यहाँ पे जो रोल प्ले होगा वो ब्रांचिंग का है। वो किस तरीके से? कि भाई ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे ब्रांचिंग हाईएस्ट है तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा, है ना। या फिर आप सरफेस एरिया से भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमने ऐसे ड्रॉ करा, एंड सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से हुआ, एंड ये आपको अगर आप देखोगे तो ये हो गया इस तरीके से। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है बच्चों? नो डाउट इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, है ना। और ब्रांचिंग भी सबसे कम है तो हाईएस्ट इसी का होना था, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपका क्या दे रखा है? बिल्कुल सही दे रखा है। तो ए सी अभी तक सही थे, ई भी हमारा सही है। तो ऑप्शन बी क्या होगा अगर हम देखें? करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ए में क्या दे रखा है? बी सी एंड डी ओनली। तो ये आपका गलत है बच्चों। बी में क्या दे रखा है? ए सी एंड ई ओनली, बिल्कुल सही है। एंड सी में हमें क्या दे रखा है? ए सी एंड डी ओनली, गलत है बच्चों। एंड डी में हमें ए बी एंड ई ओनली, ये भी गलत है। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।